ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री का ओमिक्रॉन पर चौंकाने वाला दावा है। ब्रिटेन के कई इलाकों में हुआ ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसफर, ओमिक्रॉन में वो केस भी शामिल जो विदेश तक नहीं गए, ये बड़ी खबर है। डॉक्टर रंजीत, आप ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री इसको कम्युनिटी ट्रांसफर बता रहे हैं, योर टेक सर। देखिए यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन दे आर नॉट वेरी सिक पेशेंट्स आर कमिंग टू द हॉस्पिटल, बिकॉज मैं आज हॉस्पिटल में हूं यानी कि, और मैंने देखा है जो नंबर ऑफ इन रिच पेशेंट्स है इट्स नॉट वेरी इंक्रीज, सो आई एम नॉट बॉदर अबाउट इट टू मच अबाउट द ओमिक्रॉन राइट नाउ। रीजन बिहाइंड इट्स नॉट कॉजिंग सो मच कंसर्न लाइक इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड एंड patient is not running fever and hypotension, so I'm not concerned too much about, I'm concerned sir, मेरा इससे थोड़ा सा अलग टेक है। मैं डॉक्टर रवि मलिक से इंडिया के लिहाज से पूछूंगा, सॉरी आई एम रशिंग इनटू इट। रवि सर, अब भारत में डेल्टा वेरिएंट आया, अब ये वेरिएंट नॉन वैक्सीनेटेड लोग में जाकर म्यूटेट होता है, क्या डाउट है, क्या कंफर्म नहीं कर सकते कि ओमिक्रॉन यहां पर आके कुछ और म्यूटेंट हो जाए, कुछ और म्यूटेट कर जाए? देखिए वायरस की अंदरूनी जो है वो एक तरह से उसकी जो टेंडेंसी है वो हमेशा म्यूटेशन करने की है। जैसे हम इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, वायरस भी अपने वजूद को कायम रखने के लिए अपनी जो रूप और प्रतिरूप है वो धीरे धीरे करके बदलता रहता है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, जिस तरह से ओमिक्रॉन ने अपना रूप प्रतिरूप बदला है, आप ये देखिए कि स्पाइक प्रोटीन में 30 म्यूटेशन जिसने कर रखी है, अभी शोध हो रहे हैं कि ये कितना एग्रेसिव होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।